दोस्तों, हमें भारतीय रेलवे में लोको पायलट और हम ट्रेन चलाते हैं। 2018-19 की वैकेंसी शायद आपको याद हो, उसी वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग मेरे घर के पास है। मैं अपने ड्यूटी के ब्लॉग्स डालता हूँ। इस ब्लॉग में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि लोको पायलट की ड्यूटी कैसी होती है, कैसे कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, दिन रात कैसे अंदर से सीन होते हैं, सभी दिक्कतें आपको पता चल जाएंगी। पर इस वीडियो में मैं आपको अपनी ड्यूटी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा लोको पायलट की नौकरी के बारे में। कैसी ये नौकरी है, क्या इसकी एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। वीडियो आप देखते रहिए, समझते रहिए मेरी ड्यूटी और सुनते रहिए इस नौकरी के बारे में। तो सबसे पहली बात है, लोको पायलट की नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स कुछ बेहतर होती हैं, थोड़े से अच्छे सैलरी होती हैं, टाइम पे सैलरी आती है, जो भी इंक्रीमेंट वगैरह लगने होते हैं वो टाइम टू टाइम लगते हैं। इसमें जो भी पैसा होता है आपका ईमानदारी का पैसा होता है, कोई ये नहीं कह सकता दूसरी नौकरी। कुछ है ऐसी नौकरी जिसमें कह देते हैं अरे ये तो हराम की कमाई है, लोको पायलट की पूरी तरह से अपनी मेहनत की कमाई है। वो किसी पब्लिक से, किसी दूसरे आदमी से उसकी मेहनत का एक रुपया नहीं मारता है, वो अपनी मेहनत के कमाता है। भले ही वो दिन में ड्यूटी करे रात में, वो अपनी मेहनत के कमाता है। कुछ नौकरियों के क्या नुकसान होते हैं, उसमें आपको घर के पास की पोस्टिंग नहीं मिलती है, स्पेशली डिफेंस में। मान लो आप आर्मी में हो गए, पुलिस में हो गए, पता चला आप अपने ज़िले में ही नहीं आ पा रहे हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिल जाती है, बशर्ते आपके घर के पास लॉबी होनी चाहिए। लॉबी होती हैं जहाँ पर ये मतलब लोको पायलट का ऑफिस होना चाहिए, ऐसा स्टेशन होना चाहिए। छोटे मोटे स्टेशनों पे ये नहीं होता, थोड़े बड़े स्टेशन होते हैं वो, वहाँ पर लॉबी होती हैं। तो यहाँ पर घर के पास पोस्टिंग हो जाती है, और ये नहीं कि हर 3-4 साल में कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं, ना, एक बार आपकी वहाँ पर पोस्टिंग हो गई अब आप हमेशा वहीं रहेंगे। ट्रांसफ़र तभी होता है जब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं। सैलरी हमेशा टाइम से मिलती है, ये समझ लीजिए कुछ नौकरियों में 1 तारीख को सैलरी आती होगी, पर इसमें 31 को ही आ जाती है। बिल्कुल टाइम से मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक। आप इस नौकरी में कभी बोर नहीं होते हो, हमेशा आपका मन लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि डेली सेम जगह पर बैठकर सेम कागज वाली जॉब नहीं है ये। इसमें आज आप इधर जा रहे हो तो कल दूसरी तरफ जा रहे हो, आज दिल्ली तो कल लखनऊ, डेली अलग अलग जगह जाओगे, वहाँ पर खाना पीना खाओगे, लोगों से मिलोगे, ड्यूटी पे गाड़ी चलाओगे। गाड़ी चलाते हो आप, आज तक आप अपनी बाइक, अपनी स्कूटी, अपनी कार चलाते हो बोर हुए हो क्या? तो ट्रेन चलाते हो कैसे बोर हो सकते हो? तो कभी भी आप बोर नहीं होगे, डेली आपको नई दिक्कतें मिलेंगी, नई चैलेंजेस मिलेंगे, ठीक है, सेम चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। बहुत से लोगों को पेपर वर्क पसंद नहीं होता है, तो इस जॉब में कोई पेपर वर्क नहीं है। आपने ड्यूटी करी, आप घर आए, ख़त्म। आपको कोई फाइल वगैरह नहीं बनानी है ना, आपको इसमें बस ट्रेन चलाना है, अच्छा व्यवहार रखना है, घूमना फिरना है, मौज लेनी है, टेंशन फ्री रहना है, ठीक। इसमें जो भी आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंड हैं, जैसे कि आपकी वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, अलग अलग, आपके फादर नहीं है, मदर जो है वो विडो हैं, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट मानी जाती हैं। अगर आपके फादर हैं तो फिर मदर फादर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं माने जाते, तो उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती हैं, पास फैसिलिटी मिलती हैं, ठीक है, इलाज वगैरह रेलवे की तरफ से हो जाता है। पर अगर आपके फादर जिंदा हैं तो आपके मदर और फादर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे, उनको भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक। इसमें जब भी आप ड्यूटी करते हैं, अब आप ड्यूटी पर जाते हैं तो हो सकता है सेम डे वापस आ जाएं, हो सकता है अगले दिन वापस आएं, ठीक। पर जब भी आप घर पर आएंगे तो आपको 16 घंटे का एक न्यूनतम रेस्ट मिलेगा, मतलब 16 घंटे से पहले आपकी ड्यूटी नहीं लग सकती, मिनिमम 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा। और 7 से 10 दिन के बीच में आप कभी भी 30 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, यानी एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा का ऑफ, यानी एक दिन का ऑफ मोटा मोटा ऐसे मान लो, ठीक है, 30 घंटे का एक रेस्ट मिलता है 7 से 10 दिन के बीच में, जब आप लेना चाहें छुट्टी के लिए। जैसे हर नौकरी में पहले दिन एप्लीकेशन दे जाते हैं कि लो साहब हमारी एप्लीकेशन, कल मेरी छुट्टी रहेगी, ऐसे ही आपको इसमें छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। साल में लगभग आप 30 छुट्टी ले सकते हैं, त्योहारों वगैरह की छुट्टी नहीं मिलती है और ना ही छुट्टी होती है उस समय, तो और बर्डन होता है ना काम का। यही अब मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं कि नुकसान क्या है इस नौकरी के, तो नुकसान यही है कि अब पता चल रहा है आपको दिवाली है, होली है, आप चाहते हो आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ये त्यौहार मनाओ, पर वो आपके बहुत ही कम मन पाएंगे। ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि त्यौहार के समय आप ड्यूटी पर रहें, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई तो बहुत सी नौकरियों में छुट्टी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो बहुत सी नौकरियों में छुट्टी पड़ जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 365 दिन आपको काम करना ही करना है, ठीक। इसमें कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, आज आप दिन में जा रहे हैं तो कल रात में, है ना, तो
तो जब रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत आती है, उठने में भी दिक्कत आती है, नींद भी आती है, सोने के समय पे जब आप काम करते हैं और दिन में तो वो नींद हो नहीं पाती, तो इस वजह से हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रेलवे वाले जो लोग होते हैं ज़्यादातर उनको हेल्थ के इशू रहते हैं। जब आप बाहर का खाना खाते हैं, भाई आप मान लो 2 दिन ड्यूटी बाहर रहते हो तो बाहर का ही खाना खाओगे, तो कई बार वो चीज़ आपको सूट नहीं करती, नुकसान देती है। तो रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं बहुत ज़्यादा पेट की समस्या से ग्रसित रहते हैं या और भी उनको समस्याएं हो जाती हैं, बीपी शुगर ये वाली, क्योंकि फिक्स शेड्यूल नहीं है, रात रात भर जगोगे तो ये दिक्कतें होंगी होंगी। आप कोई जिम नहीं लगा सकते, ट्यूशन नहीं लगा सकते, कोचिंग नहीं लगा सकते, फिक्स टाइम नहीं बता सकते शादी पे, भाई मैं 2-3 2-4 दिन बाद शादी है, मैं आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा, क्या पता आप उस समय ड्यूटी पर हो। फिक्स तो होता नहीं है कि ड्यूटी शाम को आएगी कि सुबह आएगी, 12 महीने काम ही रहता है। आप पहले से कोई प्लान नहीं बना सकते कि मैं उस समय यहाँ पर फिक्स घर पे अवेलेबल रहूँगा। इसके अलावा आपको इस नौकरी पर बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हर ड्यूटी लगभग 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे के आसपास की होती है, और भी फिजिकल काम होते हैं, तो आप कमज़ोर शरीर वाले नहीं हो सकते, वरना आप इस नौकरी को झेल नहीं पाएंगे। हमें कई बार बाहर का पानी पीना पड़ रहा है, कई बार के काफ़ी बार कभी कभी कहीं का पानी पीना पड़ता, कभी कहीं का। अगर आप शरीर से कमज़ोर होंगे तो ऐसे में आपका शरीर बैठ जाएगा, आप बीमार पड़ सकते हैं। मेंटली फिट इसलिए होने चाहिए, आपकी मालगाड़ी में ड्यूटी है 4 घंटे खड़ी कर दी तो बहुत से लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, तो दिमाग से शांत होना चाहिए आदमी। जब भी आप ड्यूटी जाएंगे तो फिक्स नहीं है कि आप 2 दिन बाद वापस आएँ, 3 दिन बाद वापस आएँ या उसी दिन वापस आएँ। अब आप मान लो 3-3 दिन बाद ड्यूटी करके वापस आ रहे हैं, आपके घर पे घर वाले अकेले रहेंगे, आपकी कमी घर वालों को जरूर महसूस होगी। जब भी वापस आएंगे 3 दिन बाद 16 घंटे के आसपास के बाद आप फिर से ड्यूटी चले जाएंगे, तो 3 दिन 2 दिन एक लंबा समय हो जाता है किसी भी इंसान के लिए लगातार बाहर रहने का। इसके अलावा जो प्रमोशन होते हैं, इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप सिर्फ प्रमोट होकर असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, शंटर, लोको पायलट मालगाड़ी के, फिर पैसेंजर के लोको पायलट, फिर मेल के लोको पायलट, कुल मिला के आप लोको पायलट के लोको पायलट ही रहते हैं। आपको दूसरे विभागों में जाने का मौका नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है तो एक आध बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये सब है मेनली बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बहुत से लोगों के लिए जो छोटे मोटे डिसएडवांटेज हैं वो कोई बात नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज हैं, क्या पता कुछ पहले से ही शरीर से कमज़ोर हों, 2-3 दिन बाहर ना रह पाते हों, बाहर का खाना खाते हैं उनका पेट खराब हो जाता हो, तो ये डिपेंड करता है। हर नौकरी के अपने कुछ फ़ायदे अपने नुकसान होते हैं, वो मैंने आपको इसके गिना दिए।